हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग आईसी इंजन की एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। तो आईसी इंजन की एफिशिएंसी जो है चार टाइप की होती है। पहला हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी है, दूसरा थर्मल एफिशिएंसी है। अब थर्मल एफिशिएंसी भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और दूसरा होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तीसरा हमारा रिलेटिव एफिशिएंसी है। अब रिलेटिव एफिशिएंसी भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिकेटेड रिलेटिव एफिशिएंसी और एक होता है ब्रेक रिलेटिव एफिशिएंसी। और चौथा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। हम लोग बारी बारी से सबकी डिफिनीशंस जानेंगे और इसके फार्मूले जानेंगे कि इसकी परिभाषाएँ क्या होती हैं और इसके लिए हम लोग किस सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? तो इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर मिलने वाले ब्रेक पावर तथा पिस्टन फेस पर मिलने वाले इंडिकेटर पावर के अनुपात को हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। जैसा कि हम बात करें, सपोज कीजिए हमारा आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन में हमारा क्या, ये हमारा पिस्टन है। अब पिस्टन से जुड़ा होगा कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से हमारा क्रैंक, तो क्रैंक पे हमारा जो पावर मिलता है उसको हम लोग बीपी कहते हैं। और जो हमारा पिस्टन पे मिलता है पावर, यहाँ पे जो पावर मिलेगा पिस्टन फेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो अनुपात होता है इसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर मिलने वाले ब्रेक पावर तथा पिस्टन फेस पर मिलने वाले इंडिकेटेड पावर के अनुपात को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया बीपी अपान आईपी। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगला जानते हैं, अगला हमारा है थर्मल एफिशिएंसी। अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है कि यह हीट के इंडिकेटेड वर्क में परिवर्तित मात्रा तथा फ्यूल द्वारा सप्लाई किए गए ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का अनुपात होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देते क्या हैं, हम लोग देते हैं सबसे पहले इंजन को फ्यूल देते हैं। फ्यूल को जलाने पे हमको हीट मिलती है। हीट की जो वैल्यू होती है ये हमारा एम एफ इंटू सी वी के गुणनफल के बराबर होता है। एम एफ मतलब क्या, मास ऑफ फ्यूल, और सी वी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो अगर मान लीजिए हमारा 1 किलोग्राम फ्यूल है, अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से कितनी ऊष्मा मिली। तो हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, इसकी थर्मल इफिशियंसी के लिए हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट हमारा दो तरीके से कर सकते हैं, एक हमारा आईपी और एक हमारा बीपी। जब हमारा आईपी आउटपुट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, और जब हम लोग बीपी को आउटपुट लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, जैसे थर्मल एफिशिएंसी दो टाइप का, एक इंडिकेटेड एक ब्रेक, तो हम इंडिकेटेड क्या होगा कि यह हीट के इंडिकेटेड वर्क में परिवर्तित मात्रा तथा फ्यूल द्वारा सप्लाई किए गए ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का अनुपात होता है। यानी कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा हीट इक्विवेलेंट ऑफ इंडिकेटेड वर्क, मतलब हीट को जलाने से कितना हमको वर्क मिला और कितना हमने हीट के जलाने से कितना हमने एनर्जी दिया, मतलब कितना हमको ऊष्मा मिला फ्यूल के जलाने से, इसका जो अनुपात होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बराबर आईपी अपान एम एफ इंटू सी वी। आईपी क्या है, इंडिकेटेड पावर है। एम एफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल 1 किलोग्राम पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितना किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है। और सी वी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की। अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो यह हीट के, जैसे वहाँ पे था हीट के इंडिकेटेड वर्क, तो यह हीट के ब्रेक वर्क में परिवर्तित मात्रा तथा फ्यूल द्वारा सप्लाई किए गए ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का अनुपात होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक वर्क अपॉन एनर्जी सप्लाइड बाई फ्यूल। तो यहाँ पे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे बीपी आउटपुट हमारा हो जाएगा, इनपुट होगा एम एफ इंटू सी वी। जहाँ बीपी क्या है, ब्रेक पावर है, एम एफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल है, सी वी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें रिलेटिव इफिशियंसी क्या होता है, तो ये एक्चुअल थर्मल इफिशियंसी तथा थियोरेटिकल थर्मल इफिशियंसी। और थियोरेटिकल थर्मल इफिशियंसी को हम लोग एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इफिशियंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा थर्मल इफिशियंसी अपन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो ये भी दो टाइप का हो जाता है, एक हमारा होता है इंडिकेटेड रिलेटिव इफिशियंसी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो यह हो जाएगा कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी तथा एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का जो अनुपात होगा उसे हम लोग इंडिकेटेड रिलेटिव इफिशियंसी बोलेंगे। तो इसका फार्मूला हो गया इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी अपन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। इसी प्रकार ब्रेक थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह जो है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक रिलेटिव इफिशियंसी की बात करें तो ये ब्रेक थर्मल इफिशियंसी और एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ये इसका आपका ये फार्मूला हो गया।
अब अगला हम बात करें अगले इफिशियंसी की, अगला हमारा जो है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्ड, सक्ड को हिंदी में बोलते हैं चूसित, मतलब कितना हमारा एयर या चार्ज अंदर आ रहा है सिलेंडर के अंदर आ रहा है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्ड सक्ड एक्चुअल एयर ऑब्लिक चार्ज, मतलब जैसे हमारा डीजल इंजन में हमारा एयर आता सक होता है और पेट्रोल इंजन में चार्ज, चार्ज को हमारा क्या होता है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, एयर ऑब्लिक चार्ज की मात्रा तथा आइडियल एयर ऑब्लिक चार्ज की मात्रा के अनुपात को वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का कि एम एक्चुअल ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक बटे एम आइडियल ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। जैसा कि हम लोग देखें अगर आईसी इंजन की बात करें तो ये मान लीजिए हमारा आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन में ये हमारा हो जाएगा आईडीसी और ये हो जाएगा हमारा ओडीसी, और इसी के बीच में हमारा क्या करता है पिस्टन हमारा मूव करता है, पिस्टन इसी के बीच में हमारा मूव करेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे हमारा होगा सक्शन वाल्व और यहाँ पे होगा, या इसको इनलेट वाल्व भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एग्जास्ट वाल्व। अब यहाँ पे सक्शन वाल्व से क्या होगा हमारा एयर या चार्ज जो है सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ से आरडीसी से ओडीसी का जो वॉल्यूम होगा ये वीएस होगा, तो यानी कि इतना वॉल्यूम हमारा सक होना चाहिए। लेकिन जब हमारा सक्शन होता है तो इसके पहले हमारी जली हुई गैसें एग्जास्ट स्ट्रोक जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे गैसें कंप्रेस रहती हैं, जब कंप्रेस रहती तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा कुछ दूरी तक ये कंप्रेस्ड गैसें क्या होंगी आईडीसी की इधर इनका एक्सपेंशन होगा, उसके बाद जब पिस्टन यहाँ से आगे की ओर जाएगा तो हमारा क्या होगा प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर की प्रेशर से कम होगी और हमारा चार्ज या एयर जो है सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे एक्चुअल में सक्शन हमारा यहाँ आरडीसी से नहीं स्टार्ट होकर के इससे कुछ दूर जाने के बाद स्टार्ट होता है, यहाँ से करीब स्टार्ट होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे एक्चुअल जो हमारा एयर हमारा या चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ तक भरना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन भर यहाँ से यहाँ तक ही पाता। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे यानी कि जो हमारा एयर या चार्ज आया इतने ही आयतन में आएगा, ये हमारा प्रैक्टिकली हुआ। थियोरेटिकली हमारा आईडीसी से ओडीसी तक भरना चाहिए था, तो यानी कि जो हमारा मास एक्चुअल में आएगा वो आइडियल की तुलना में क्या होगा कम होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है ये एम एक्चुअल ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक का पानी एम आइडियल ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। अब हमारा जो हम लोग सुपर चार्जिंग करते हैं टर्बो चार्जिंग करके हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को जो है 100% से ज़्यादा भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सुपर चार्जिंग करेंगे या टर्बो चार्जिंग करेंगे तो थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू 100% से भी ज़्यादा हमको मिल जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।